तो यार भैया, आज है 15 अगस्त, और इस 15 अगस्त के मौके पे मैं आप सभी लोगों को 15 अगस्त के हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और जो लोग यार मुझसे जुड़े हैं, प्लीज़ वो लोग कमेंट में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जरूर लिख दें, ताकि मुझे भी खुशी मिलेगी कि आप लोगों को काफ़ी खुशी है इस दिन के लिए। और कॉलेज में आप लग गए होगे तो आज का नज़ारा तो आप देख ही रहे होगे, और एंड एंड ऑफ डे आपको और अच्छा लगेगा। और आज की वीडियो में यार मैं दो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि यार प्लीज़, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट करें मुझे, और अपने दोस्तों भाइयों से सब्सक्राइब करवाइए। बहुत ही करीब है हम 1,000 फैमिली होने के। तो अब अपने मुद्दे पे आते हैं कि यार काफ़ी जो भाई है मुझे कमेंट कर रहे हैं और कॉल भी कर रहे हैं कि यार जो दयाल बाग में एनसीसी है वो यार लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं यार इसमें दो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज गिनवाने की कोशिश करूँगा। मुझे तो ज़्यादा डिसएडवांटेज ही लगता है, आप उससे रिलेट कर लेगा, क्यों मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा आपको कि ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इन मान लेते हैं आपने एनसीसी ले ली और आप डिप्लोमा ग्रुप ए वाले हो, तो यार जितनी भी आपके क्लासे होती हैं 1 साल की सारी छूट जाती हैं, क्योंकि एनसीसी में बहुत सारे कैंप लगते हैं और जाना पड़ता है वहाँ पर। अल्टीमेट क्या है, आप वहाँ पर जाओगे और आपको जो क्लास होती है, वर्कशॉप होती है, सारी की सारी छूट जाती हैं। बदले में आपको वहाँ पे पास कर दिया जाता है और आपके परसेंटेज डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, समझे। आपकी जो सीटी है या क्लास टेस्ट है वही कैंप में करा दिया जाता है, जिसका कोई मायने नहीं होता, क्योंकि आपने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं होती है, कोई चीज़ नहीं होती है। पर हाँ, आप 15 दिन का 20 दिन का कैंप कर रहे हो तो कॉलेज का ये रूल होता है कि इन बच्चों को फेल ना किया जाए। अल्टीमेटली उनकी जो टेक्निकल स्किल है, ठीक है, उन पर इम्पैक्ट पड़ता है, वो और बच्चों से पीछे रह जाते हैं और उनकी परसेंटेज तो डाउन रहती ही रहती है। और ऐसे एक कैंप नहीं होती, 3 साल कैंप चलेंगे भाई साहब, 3 के 3 साल कैंप चलेंगे, और 3 साल भी आपका यही हाल होने वाला है। वर्कशॉप से आप वंचित रहोगे, क्लासेस से वंचित रह जाओगे, ड्राइंग की क्लासेस से वंचित रह जाओगे, तो आपकी जो स्किल है ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। बस आपको एक ही चीज़ पता होगी एनसीसी के बारे में, परेड परेड परेड। और उसके अलावा ये भी एक एडवांटेज है कि जो लोग बोलते हैं ना, जो वहाँ पे परेड होती है GRDC करके, शायद जो राष्ट्रपति के आसपास, तो कोई कोई किसी किसी को मौका मिलता है, 100 में से 1 बच्चे, मतलब अपने यहाँ 10 बच्चे हैं तो 1 को मौका ऐसा मिल जाता है उनके सामने परेड करने के लिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो घर है आगे इन चीज़ों से नहीं चलने वाला है, हमारा घर जो चलने वाला है जॉब से चलने वाला है, और हमारे पास स्किल नहीं है तो क्या है? मेरा खुद का दोस्त है, उसके पास शायद सी सर्टिफिकेट है, और बोले तो उसने बहुत तन मन धन से किया था, और उसको ये लगता था कि भाई मेरी जॉब लगेगी एयरफोर्स में या डिफेंस सेक्टर में कहीं लग जाएगी। कारण ये हुआ कि सब अग्निवीर निकलने लगे अग्निवीर कर दिया गया। अब उसके बाद भी अग्निवीर में भी जॉब नहीं लग पा रही है दोस्तों, और उसको लगता था कि भाई मुझे बेनिफिट्स मिलेगा और मेरिट में मैं आऊँगा, क्योंकि मेरे पास सी सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट है ना। तो आप अब यहाँ से अंदाज़ा लगा दो, मैं तो अगर होता हूँ, मैं तो डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि अब मैं होता तो यार एनसीसी बिल्कुल ना पकड़ता, क्योंकि उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। और यदि किसी का यार ड्रीम है कि मेरे को यार डिफेंस सेक्टर में ही जाना है, डिफेंस में जाना है, तो यार आप फिर अलग बात है, फिर ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं होती। यदि आप टेक्निकल लाइन के भाई, आपको सीधे जॉब पकड़नी है, घर की कंडीशन सही नहीं है और आपको जॉब पकड़नी, तो मैं बोलता हूँ भाई बिल्कुल मत जाओ एनसीसी में, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। और ये मुद्दा तो क्लोज हो गया। दूसरा मुद्दा ये है दोस्तों, यार मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो MNC मल्टीनेशनल कंपनी होती है उसमें कैसे जॉब लें, आपने सही से उसको वॉच नहीं किया। मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं फिर भी इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन केस मान लो आपका प्लेसमेंट नहीं होता तो क्या करना चाहिए। जब प्लेसमेंट नहीं होता तब लड़के परेशान होते हैं, भागते हैं इधर उधर है, और कंपनियों में भागते हैं कि कहाँ हमको कोई मिल जाए। तो ये कंपनियाँ कैसे पता चलेंगी कि इस कंपनी में वैकेंसी निकली है और उस कंपनी में वैकेंसी निकली है, इस कंपनी में वॉक इंटरव्यू चल रहा है, उस कंपनी में वॉक इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, कंपनी आपको कैसे बुलाएगी कि भाई आज हमें ज़रूरत है। तो मैंने उस वीडियो में बताया है कि यार ये जो एप्लीकेशन दो, एक Naukri.com, एक LinkedIn है, ये एप्लीकेशन यार लोग तब ज्वाइन करते हैं जब उनका 3 साल का डिप्लोमा हो जाता है या कहीं और ज्वाइन या और कहीं जॉब उनको लग जाती है, तब उनको समझ में आती है। तो मैं यार ये बात आपको पहले से बता रहा हूँ कि यार इसको आप अभी से ज्वाइन कर लो, Naukri.com और LinkedIn दोनों को ज्वाइन कर लो, सच बता रहा हूँ। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो 1-1.5 साल के बाद इसको आपको चलाना ही आएगा, कैसे आप ऑपरेट करते हो, कैसे इसके जो एल्गोरिदम है, कैसे उसके काम करते हैं, कैसे हमको इसमें अपनी अपडेट रखनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि आप लास्ट टाइम पे ज्वाइन करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं यार अभी से इसको ज्वाइन करो, सच बता रहा हूँ आपको, इसको बहुत से बार बेनिफिट्स मिलेंगे। यदि कॉलेज प्लेसमेंट नहीं दिलवाता है तो आपके हो सकता है जॉब इसी से लग जाए, और इसी से आप भाई इंटरव्यू वगैरह आपको कंपनी आपका प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगी और आपको बुलाएंगे कि हाँ भाई आ जाओ जॉब के लिए। तो प्लीज़ यार उस वीडियो को फुल वॉच करो और रिस्पॉन्स दो यार भाई, अपने भाई को सपोर्ट करो।
और भी कोई डाउट हो तो मुझे बताओ यार। मिलते हैं यार इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।